दोस्तों, कैसे हो सब लोग? हाँ जी, तो दोस्तों आज एक बजट आया। निर्मला सीतारमण जी पूरी जोश में अपना एक बजट अनाउंस करती हैं और जो बजट आपके आने वाले एग्जाम्स, नॉट कमिंग 2024 बट 2025 में जो एग्जाम्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। तो बजट 2024 में क्या चेंजेस आए हैं, आज सिर्फ ये वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है, ज्यादा लंबी नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स क्या है मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है कि सर ऐसी क्या बड़ी बड़ी चेंजेस हैं जो हमें जानने की जरूरत है। आपको भी पता होना चाहिए, किसी से चर्चा करते हो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये बजट 24 में आया क्या, सिर्फ इनकम टैक्स में रिलेटेड और वो भी मेजर मेजर। इनकम टैक्स में और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, वो छोटे छोटे हर टॉपिक वाइज चेंजेस हैं, बट मैं यहां पर सिर्फ मेजर जिस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो आओ स्टार्ट करते हैं दोस्तों बजट 2024 के की हाइलाइट्स। छोटी सी वीडियो होगी, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो आपको पता तो चल गया होगा नया रिजीम आ गया है। जी हाँ, जो आप रिजीम पढ़ते हो कौन से वाला, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आप कौन सा पढ़ते हो। ये वाला 0 से 3 लाख 0%, फिर 3 से 6 5 ये पढ़ते थे, 6 से 9 10, 9 से 12 15 12 से 15 20 ये पढ़ते थे ना आप लोग, और अबव 15 30%। ये जो स्लैब था दोस्तों, ये स्लैब हो गया है चेंज, और इस स्लैब को मॉडिफाई करके बजट 2024 में ये वाला स्लैब उतार दिया है आपके सामने। और इस स्लैब के अंदर 0 से लेकर 3 लाख पर 0% टैक्स, 3 से लेकर 7 लाख पर 5%, 7 से लेकर 10 लाख पर 10%, और 10 से 12 पे 15, और 12 से 15 पे 20, और अबव 15 पे 30। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो यहां पर इन्होंने 5% वाले रेट में 1 लाख रुपए और बढ़ा दिए। इससे फायदा होगा? जी हाँ, बिल्कुल फायदा होगा। तो अगर जिनकी इनकम कम है उनको फायदा होगा, ठीक है, जिनकी इनकम कम है भाई 7 लाख के आसपास है तो उन लोगों को फायदा होगा। 7 लाख से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 पे 15, अब 12 से 15 पे 20, और अबव 15 लाख अगर आपकी इनकम है तो 30। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि पहले अगर मैं आज नए रिजीम की बात करूं और मेरी इनकम 10 लाख रुपए थी, कितनी थी 10 लाख। मैं नए रिजीम, पुराने वाले नए रिजीम की बात करता हूं, जो अभी तक आप पढ़ रहे हो, जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है। तो उस हिसाब से आप क्या लिखोगे नए रिजीम में, पहले 3 लाख पर टैक्स 0, अगले 3 लाख रुपए पर 5% यानी 15,000, अगले 3 लाख रुपए पर 10% यानी 30,000, और बैलेंस कितना बच गया 1 लाख, इस पर कितना 15% 15,000, टोटल कितना हो गया 60, प्लस क्या लगेगा सेस 4%, जो कि हो गया 2400, टोटल लाइबिलिटी हो गई 62,400। बोलो ये सुन दो है कि नहीं। और अगर मैं बात करूं इसी 10 लाख रुपए के लिए, अगर मैं बात करूं कि नया रिजीम क्या कहता है, नया रिजीम ये कहता है कि पहले 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, फिर उसके बाद अगले 3 लाख नहीं है, अगले 4 लाख है, अगले 3 लाख नहीं है, अगले 4 लाख है, 3 से 7 लाख पर कितना है 5%, तो अगले 4 लाख रुपए पर 5% यानी कितना हो जाएगा 20,000। फिर उसके बाद अगले 4, 3, 7 और 7 से देकर 10 यानी अगले 3 लाख रुपए पर कितना 10% यानी कितना होगा 30,000, और आपकी इनकम कितनी हो गई है 10 लाख रुपए हो गई कि नहीं, 3, 4, 7 और 3, 10, तो 10 लाख रुपए हो गई है, और 10 लाख रुपए का टैक्स कितना बना 50,000, प्लस क्या लगेगा सेस, है ना, तो 3 लाख 0, 4 लाख पे आपका लगा 5% 20,000, और जो 7 से लेकर 10 की बात करें अगले 3 लाख, तो उस 3 लाख रुपए पर कितना लगा 10% यानी 30,000, तो बिल्कुल सही है, सेस 4%, कितना हो गया 52। तो दोस्तों अगर आप लोग देखो तो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए रियायत है। लोग कहेंगे कि क्या एडवांटेज मिला, ऐसा कोई बजट को कोई खास तो फायदा हुआ नहीं। फायदा हुआ किस लेवल को फायदा हुआ, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो लोग अपनी आईटीआर 6 से लेकर 10 लाख के बीच 10, 11, 12, 15 लाख के आसपास भरते होंगे, उन लोगों को जरूर बहुत बड़ा फायदा दिखा है। तो आप लोगों के सामने है कितने रुपए की बचत हो रही है, करीब करीब 10,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 10,000 रुपए की बचत कर लेते हो, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है,
ये वाला नया रिजीम पहले वाला है और ये अब नया वाला है, इज दैट क्लियर? तो इस हिसाब से आप टैक्स दे सकते हो और आप अपना टैक्स बचा सकते हो, इज दैट क्लियर? चलो, तो ये तो बात हो गई कि टैक्स कैसे, अभी जो नया चेंज आया है वो क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं, सैलरी चैप्टर में जो आप लोग पढ़ते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो 50,000 रुपए होती थी ना, अब वो 50,000 रुपए से कितनी हो गई है, 75,000, कितनी हो गई है, 75,000। तो 75,000 रुपए की सैलरी में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, इज दैट क्लियर? 75,000 बहुत बड़ी बात है, 50 से 75 करना मतलब अच्छा खासा बेनिफिट दिया है सैलरी पर्सन को। इसके अलावा जो फैमिली पेंशन होती थी, बच्चों आपको याद होगा फैमिली पेंशन, उस फैमिली पेंशन पे डिडक्शन मिलती थी 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव और 15,000, विच एवर इज लोअर। अब वो उसको 15,000 को हटाकर 25,000 की लिमिट कर दी गई है, कितनी कर दी गई है, 25,000। तो 15,000 की जगह पे कितना हो गया, 25,000। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन, बच्चों आपको याद होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,00,000 रुपए तक की एग्जेम्पशन मिलती थी अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स बेचते हो ऑन विच एसटीडी हैज बीन पेड, आपको याद है, अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स बेचते हो ऑन विच एसटीडी हैज बीन पेड, तो उस पे 1,00,000 रुपए की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एग्जेम्पशन होती थी, उसके बाद 10% टैक्स लगता था। अब गवर्नमेंट ने वो लिमिट 1,00,000 की जगह कर दी है 1,25,000, तो लोग खुश कि 1,25,000 रुपए तक एग्जेम्पशन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देना होगा। 1,25,000 से ऊपर पे टैक्स का रेट 10% की जगह पर अब कितना कर दिया, जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है अब वो 10 की जगह कर दिया है 12.5%। तो लो जी, आपका टैक्स रेट अब 10 रहा नहीं, अब कितना हो गया, 12.5%, 12.5%। ये देखो नीचे लिखा है, ये नीचे लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना हो गया, 12.5% ऑन ऑल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड एसेट्स, ठीक है, विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना 12.5%, ओके। और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन कितनी मिल रही है, पहले 1 मिलती थी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पर, अब कितनी मिलने लग जाएगी, 1,25,000 पे, ठीक है। कहीं फायदा है कहीं नुकसान है। अब एक बात है, बड़ा कंफ्यूजन होती थी कि सर कौन से इक्विटी शेयर डिबेंचर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, किसी के लिए 1 ईयर होता था, किसी के लिए 2 ईयर होता था। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया, जितने भी लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनके लिए क्राइटेरिया 1 ईयर रहेगा, चाहे वो कोई भी फाइनेंशियल एसेट हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, कोई भी हो, अगर वो लिस्टेड है तो उनका क्राइटेरिया क्या रहेगा, 1 ईयर, और अगर वो अनलिस्टेड है तो उनका क्राइटेरिया रहेगा 2 ईयर। तो ये क्लैरिटी बता दी गई ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। म्यूचुअल फंड्स वगैरह सब के लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, 1 साल अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है तो, अगर लिस्टेड है तो फाइनेंशियल एसेट्स, और अगर अनलिस्टेड है तो 2 ईयर्स। तो दोस्तों ये अगर हम लोग देखें, मेजर जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो इस चीज के ऊपर आई हैं। ज्यादा जो चेंजेस हैं वो आप लोगों को यही चीज नजर आ रही होगी कि एक नया रिजीम आ गया है, बट इसके अलावा भी कुछ और डिडक्शंस वगैरह में बेनिफिट मिले हैं, बट मैं अभी वो चीज डिस्कस नहीं करूंगा। मेजर अमेंडमेंट की बात करें तो ये वो की हाइलाइट्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। थैंक यू बच्चों, लगे रहो मेरी वीडियो के साथ, आप जुड़े रहो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय।